हेलो सलाम आदाब नमस्ते। जी हाँ, मैं हूँ रेहान और आप देख रहे हैं बंजारे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मनाली की बजट ट्रिप प्लानिंग की, कि कैसे मोस्ट एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल वे में कि आप मनाली जा सकते हैं। मनाली जाने के लिए आप दो जगह को अपना बेस मान सकते हैं। पहला बेस हो सकता है दिल्ली और दूसरा हो सकता है चंडीगढ़। तो यहाँ से आपको बहुत ही आसानी से बसेस मिल जाएंगी ट्रैवल करने के लिए, जो बहुत ही इकोनॉमिकल वे में आपको मनाली पहुंचा देंगी। दिल्ली से मनाली का जो डिस्टेंस है वो अराउंड 600 किलोमीटर है, और अगर चंडीगढ़ की बात करें तो वो अराउंड 300 किलोमीटर है। तो दिल्ली से मनाली आपको जाने में करीब करीब बस से 12 घंटे लग जाएंगे। सबसे अच्छा सीजन क्या होगा मनाली को विजिट करने के लिए? मनाली को आप दो सीजन्स में बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं। फर्स्ट इज स्नोफॉल, जो बहुत ही कॉमन है और बहुत ही फेमिलियर है कि मनाली में जब स्नो पड़ती है तो बहुत ही खूबसूरत ये वादी लगती है। तो अगर आपको स्नोफॉल देखना है मनाली में, देन यू कैन विजिट फ्रॉम दिसंबर टू मार्च। इस टाइम पे आपको मनाली एकदम सफ़ेद चादर में कवर्ड मिलेगा, जैसा हमने एक्सप्लोर किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप समर में प्लान बन रहा है, अगर आप समर वेकेशन में जाना चाहते हैं, देन आई विल रिकमेंड कि आप अप्रैल से लेके जून तक के टाइम में जाएं। उस टाइम पे भी मनाली एकदम ग्रीन, लश ग्रीन कवर्ड होता है और बहुत ही अच्छा मौसम होता है। नेक्स्ट इज कि आप जुलाई एंड ऑगस्ट, वन शुड अवॉइड विजिटिंग मनाली इन जुलाई एंड ऑगस्ट, बिकॉज उस टाइम पे रेनी सीजन होता है और बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है। तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो जुलाई एंड ऑगस्ट में मनाली विजिट करें। नेक्स्ट इज आप क्या क्या घूम सकते हैं मनाली में और कैसे आपको अपनी बजट को प्लान करना है मनाली में। तो पहली चीज़ बजट प्लानिंग में आती है बसेस की, दूसरी आती है होटल्स की, और तीसरी आती है आपको घूमने की, लोकल विजिटिंग और रेंटिंग, बाइक रेंटिंग। बस की बात करें तो आप अगर मनाली से बस लेते हैं, देन इट विल बी कॉस्टिंग अराउंड 800 to 1200 rupees। कंपेरेटिवली अगर आप वापस आने की बात करते हैं, मनाली टू दिल्ली बस की बात करते हैं, तो वहां से भी बस की प्राइस इतनी ही होगी। बस कौन सी चूज करें, तो ऑलवेज प्रेफर ब्रांड्स लाइक जिंग बस एंड नॉर्दर्न ट्रेवल्स, बिकॉज जो बस अगर आपकी ट्रस्टेड होगी, जैसे ये जिंग बस हो गई और नॉर्दर्न ट्रेवल्स हो गई, दे विल नॉट कैंसिल एट द एंड मोमेंट। लास्ट टाइम में जब मैं मनाली गया था तो वहां हमने योलो बस बुक करी थी वापस आने के लिए मनाली टू दिल्ली, और एट द एंड मोमेंट, एकदम लास्ट मोमेंट पे वो बस कैंसिल हो गई थी। तो फिर से हमें रश आउट करना पड़ा और नई बस बुक करनी पड़ी। और एकदम एग्जैक्ट टाइम पे अगर आप बस बुक करेंगे ना, जिस दिन आपको अगर मनाली जाना है या वापस आना है, तो एग्जैक्ट सेम डेट पे बस बुक करेंगे तो वो बहुत कॉस्टली होगी। अगर बस का नॉर्मल फेयर 1100 होता है, तो उस टाइम पे आपको वो अराउंड 1600 to 1700 भी मिल सकती है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं, देन सारी चीज़ें अपनी बस बुकिंग, होटल बुकिंग, सारी चीज़ें एडवांस में करके रखें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है और आपकी ट्रिप बहुत स्मूथली और वेल प्लान्ड वे में चलती है। नेक्स्ट इज लाइक होटल। तो होटल आप कैसा बुक कर सकते हैं? अगर आप सिंगल जा रहे हैं, देन ऑलवेज प्रेफर बंक बेड्स, जो बहुत सस्ते पड़ते हैं। अगर मनाली में आप सर्च करेंगे तो 300 से लेके 700 के रेंज में बहुत अच्छे अच्छे बंक बेड्स मिल जाएंगे, जो कि 5 से 6 लोग के बीच में शेयर होते हैं। तो अगर आप बजट ट्रिप प्लान की बात करते हैं तो आप ये प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप 2 लोग जा रहे हैं, यू आर ट्रैवलिंग इन कपल, देन यू कैन प्रेफर अ होटल। तो मनाली में अगर आप होटल सर्च करेंगे तो ओल्ड मनाली में आपको होटल मिलेंगे जो बहुत सस्ते होंगे। अगर आप मॉल रोड के अराउंड होटल देखते हैं तो सारे होटल बहुत ही कॉस्टली होंगे। अगर आप छोटा होटल अगर आप जाएंगे विजिट करेंगे तो वो भी कॉस्टली होगा, अगर मॉल रोड के अराउंड होगा। अगर थोड़ी सी आप दूर वॉकिंग करके जाएंगे, अगर ओल्ड मनाली या हदिम्बा देवी टेम्पल के साइड जाएंगे, तो वहाँ बहुत सारे होटल हैं जो बहुत अच्छे हैं, जिनकी सर्विसेज बहुत अच्छी है और जो बहुत चीप होते हैं, जिनकी टैरिफ जो है वो आपको 600 से लेके 700 या 800 या बहुत ज़्यादा जाएगा तो 1000 रुपये जाएगा। तो आप ये सब भी बुक कर सकते हैं। जो मेरी ट्रिप प्लानिंग थी, जो मैं अभी मनाली गया था, वहाँ मैं रुका था होटल ठाकुर में, और जिसका मुझे पर नाइट टैरिफ 600 रुपीज़ पड़ा था। और आप एक और चीज़ कर सकते हैं, इफ़ यू आर बुकिंग विद GoIBIBO और MMT, तो वहाँ पे बहुत सारी डील्स चलती हैं, लास्ट मिनट डील्स भी चलती हैं, तो यू कैन बुक एंड यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दैट ऑल्सो। अगर आप विंटर्स में जाते हैं तो आप रोहतांग पास नहीं जा सकते, आपका ऑप्शन बचेगा सोलांग वैली, देन यू कैन ट्रेवल सोलांग वैली। और सोलांग वैली पहुंचने के लिए आप टैक्सी भी कर सकते हैं और बाइक रेंट पे भी ले सकते हैं। तो अगर आप
यू आर टाइट ऑन बजट, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक स्कूटी रेंट पे ले लें दीज डेज। इस बार मैं अगर जब मनाली गया तो मैंने देखा कि बहुत सारी स्कूटीज लोग लेके सोलांग वैली जाते हैं, और सोलांग वैली ज़्यादा दूर भी नहीं है। सोलांग वैली 15-16 किलोमीटर है मनाली से, और नाउडेज एंटॉर्क और ये होंडा डेस्टिनी इज ऑल्सो देयर, तो जो 125cc है जो पहाड़ों पे बहुत आसानी से चलाई जा सकती है, तो आप वो सब वो भी ले सकते हैं। उसका फेयर होगा 500 रुपीज़, और आई थिंक अगर आप तेल डलवाते हैं तो 200 रुपये का तेल मोटा मोटा लेके चलते हैं, तो 700 के अराउंड में आपकी पूरी सोलांग वैली की वन डे की जर्नी हो जाएगी। तो अगर बजट की बात करें तो बस बुकिंग जो आप कर रहे हैं दिल्ली से मनाली की और मनाली से वापस दिल्ली की, वो 1000 रुपीज़ वन वे आएगी, तो इट विल टेक 2000 रुपीज़, ओके, जो हो गए बस का फेयर। नेक्स्ट इज लाइक अगर आप होटल बुक करते हैं तो मोटा मोटा नॉर्मल होटल 600-700 रुपये में आपको मिल जाएगा, जो दो दिन का होगा। तो अगर आप दो लोग हैं तो उसको स्प्लिट करते हैं तो पर हेड इट विल बी 700 रुपीज़ ऑन एन एवरेज। नेक्स्ट इज अगर आप स्कूटी ले रहे हैं और सोलांग वैली जा रहे हैं, देन उसका मैंने बताया 350 रुपीज़ पर हेड आएगा, इंक्लूडिंग पेट्रोल ऑफ 200 रुपीज़ एंड 500 रुपीज़ फॉर स्कूटी। नेक्स्ट इज अगर आप बहुत शौक है आपको, अगर आपको रॉयल इनफील्ड लेनी है, तो उस हिसाब से आपका जो ये फेयर होगा स्कूटी का वो 500 से लेके 1000 रुपीज़ चला जाएगा अगर रॉयल इनफील्ड की बात करते हैं। अगर आपको हिमालयन लेनी है तो हिमालयन का जो फेयर होता है रेंटिंग का वो 1500 रुपीज़ होता है। ये मोटा मोटा 3050 रुपीज़ आपका आता है। ये हो गई आपके बस के खर्चे, होटल के खर्चे और आपके एक दिन स्कूटी के। इस टाइम पे बचा आपका ये कि आपके पास दो दिन ऐसे होंगे जिस टाइम पे आपके पास कोई भी व्हीकल नहीं होगा, तो अगर आपको उसे इंक्लूड करना है तो आप एक दिन और स्कूटी ले सकते हैं या फिर बाइक ले सकते हैं। एंड दिस 350 ऑल्सो डिपेंड्स कि आप स्कूटी ले रहे हैं या फिर बाइक ले रहे हैं। इसके अलावा आपको 1 रुपये एक्स्ट्रा नहीं देने हैं। ये हो गई आपकी बेसिक नीड ट्रैवलिंग की। तो इट डिपेंड्स कि आप अपना बजट कितना एक्सपेंड कर सकते हैं। आप स्कूटी में कंफर्टेबल हैं, आप बाइक में कंफर्टेबल हैं। नेक्स्ट इज कि आप मनाली पहुंच गए और आपको घूमना कैसे है। तो अगर आप बहुत आसान वे में देखना चाहते हैं तो मेरी एक मनाली प्लेलिस्ट ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि कैसे कैसे आप घूम सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो फर्स्ट डे आप जब मनाली पहुंचते हैं, देन उसके लिए आप फर्स्ट डे आप बहुत एग्जॉस्टेड होंगे, देन आप हदिम्बा देवी टेम्पल, मॉल रोड, वशिष्ठ टेम्पल, ये सारी लोकल प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकते हैं। देन डे टू की अगर बात करते हैं, अगर आप विंटर में हैं देन आप सोलांग वैली जा सकते हैं, अगर आप समर में जा रहे हैं देन यू शुड गो रोहतांग पास। रोहतांग पास 50 किलोमीटर है एंड आई विल प्रेफर कि आप रोहतांग जाने के लिए बुलेट ले लें, वेर एज सोलांग जाने के लिए स्कूटी इज ऑल्सो इनफ बिकॉज सोलांग वैली इज 15 किलोमीटर फ्रॉम मनाली। अगर बात करें सोलांग वैली की कि सोलांग वैली में आप क्या कर सकते हैं, देन सोलांग वैली में आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, ATV राइडिंग कर सकते हैं, स्कीइंग कर सकते हैं, और ये बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हैं। रोहतांग पास का व्यू बहुत अच्छा होगा अगर आप समर में जाते हैं, देन आई विल हाईली रिकमेंड कि आप रोहतांग पास जाएँ। रोहतांग पास 50 किलोमीटर है एंड फ्रॉम लश ग्रीन टेरेन टू आप एकदम बैरन लैंड तक जाएंगे, बहुत ही अच्छा रास्ता है, BRO ने बहुत अच्छा कंस्ट्रक्ट किया है, तो आप रोहतांग पास भी जा सकते हैं। यू कैन ऑल्सो विजिट अटल टनल, ऑल दीज थिंग्स यू कैन विजिट। अगर डे 3 की बात करते हैं तो डे 3 में आप ओल्ड मनाली जा सकते हैं। ओल्ड मनाली में बहुत सारे कैफेज हैं और जिनकी वाइब बहुत ही अच्छी है। उसके अलावा आप एक वाटरफॉल है मनाली में जिसे कहते हैं जोगनी वाटरफॉल, दिस इज अराउंड वशिष्ठ टेम्पल। इसकी 30 मिनट की ट्रेकिंग है और 30 मिनट की ट्रेकिंग के बाद आप इस वाटरफॉल का मजा ले सकते हैं। तो ये थी हमारी बजट ट्रिप प्लानिंग मनाली के लिए, और मैं रिकमेंड करूंगा कि मनाली जाने से पहले आप हमारी मनाली प्लेलिस्ट देख के जाएं, तो बहुत आसानी होगी आपको मनाली को एक्सप्लोर करने के लिए और अपनी ट्रिप एंजॉय करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।